हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान एंड बहुत ही खूबसूरत स्वेटर डिज़ाइन। ये आप देख सकते हो, बेबी बॉय, गर्ल, कार्डिगन, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। और एक बात गाइस, मैंने इसे डबल कलर में बनाया है, आप इसे मल्टी कलर पे भी बना सकते हो। बेस आप एक कलर रखिए, जो भी बचे खुचे ऊन आपके पास छोटे छोटे रखे हों आप उसे यूज करके बढ़िया स्वेटर भी बना सकते हो, बिल्कुल लगेगा जैसे रेडीमेड है। तो देखिए, और बहुत ही ईजी, आपको उल्टा सीधा बनाना आता होगा। मान लीजिए आप बिगनर्स हो, सीख रहे हो डिज़ाइन बनाना, तो आपको उल्टा सीधा बनाना तो आता ही होगा, तब भी आप ये डिज़ाइन को बना सकते हो। बहुत ईजी, ऊन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपके पास अगर दो दो हाथ ऊन बचा हो, मतलब दो दो मीटर ऊन बचा हो, तब भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, बस ये दो सिलाई की डिज़ाइन है, दो सिलाई हम सिंपल बनाएंगे, दो सिलाई में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसे ये दो सिलाई आप दूसरे कलर से बना लीजिए, ये दो सिलाई दूसरे कलर से, ये दो सिलाई दूसरे कलर से, तो इस प्रकार से आपके जितने बचे हुए ऊन है वो भी यूज़ हो जाएंगे एंड आपका स्वेटर भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने ऑलरेडी फंदे डाल दिए हैं, ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। फंदे मान लीजिए आपने बॉर्डर बना लिया, बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड सीधे की तरफ से हमको, ओ सॉरी गाइस, सीधे की तरफ नहीं, वहाँ उल्टे की तरफ। बहुत सारे लोग फंदे डालते हैं ना, तो उनका ये जो होता है वो राइट साइड सीधे की तरफ होता है। हमारा क्या, जैसे ये राइट साइड है ना और ये रॉन्ग साइड तो होता है, लेकिन हमारी रॉन्ग साइड ही पड़ती है, मरते उल्टी की तरफ। तो डिज़ाइन को शुरू करेंगे भी हम उल्टे की तरफ। अगर आपके पे सीधे की तरफ पड़ा है तो आपसे एक सिलाई सीधा बना लीजिए, मतलब आपको कलर चेंज करना है उल्टे की तरफ से, रॉन्ग साइड। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी डिज़ाइन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। तो यहाँ पर देखिए, हमने कलर को चेंज कर लिया एंड लगा लिया। तो ध्यान से देखिएगा, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। इसी प्रकार से हम पहली सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए हो गया, एक हमने बुना, एक स्लिप किया, एक बुना, एक स्लिप किया। अब राइट साइड सीधे की तरफ दूसरी सिलाई, जो स्लिप वाला फंदा है उसे हमको फिर से ऐसे ही सिलाई में उतार लेनी है, ले लेनी है, धागे को आगे करेंगे। और जो बुना वाला फंदा, इधर से भी उसे हम उल्टा बुनेंगे, ऐसे स्लिप वाले फंदे को स्लिप करेंगे, बुने वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, स्लिप वाले फंदे को स्लिप करेंगे, बुने वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हो गया, दूसरी सिलाई भी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि दो ही सिलाई की डिज़ाइन है, तो दो ही सिलाई की, दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो, तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई में कलर चेंज करेंगे, क्योंकि एक कलर से हम दो ही सिलाई बनाएंगे। ये सारे फंदे को आपको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है, बेस कलर जिस कलर से हम बॉर्डर बनाए रहेंगे। ये आपको ध्यान देना है, जिस कलर से आपको बॉर्डर बनाना है उस कलर को आपको बस सिंपल ही रखना है। जिस कलर का ऊन ज़्यादा हो आप उसी कलर को बॉर्डर बनाइए, और जो डिज़ाइन बनाना है उसे आपको वैसे रखना है। इसके बाद देखिए, सीधे की तरफ सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है, मतलब दो सिलाई आपको सीधा उल्टा बनाना है, दो सिलाई में आपको डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए, वैसे तो डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इस डिज़ाइन को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो बस हो गया यही, जैसे मैंने दिखाया है ऐसे ही आपको बना लेनी है, बार बार आपको यही रिपीट करना है। अब दूसरा आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, जिस पर हम उल्टा बनाए हैं इसको हम स्लिप करेंगे। देखिए आप ऐसे देखते रहिए, मैं एक सिलाई आपको दिखा देती हूँ बना के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस पर हम बुनेंगे, ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, मतलब जो बुना वाला फंदा है, ये बुने वाले फंदे वाले को, इसको हम येलो ऐसे ही उतार लेंगे, पिंक कलर वाला, और ये जो बुना वाला इस पर हम बुनेंगे जैसे। अब देखिए, इस पर बुना हुआ है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, ये देखिए इसको बुन लिया, फिर इसको स्लिप कर लेंगे बिना वाला, ये वाला फिर आ गया इसे, मतलब फिर से करना वही है, बुनना है, स्लिप करना है, बुनना है, स्लिप करना है, बुनना है, स्लिप करना है, करना इसी प्रकार से है। ये देखिए जी, हो गया ना तिरछा। अब आप चाहो तो सेम टू सेम भी बना सकते हो, उसके ऊपर ऊपर पड़ेगा, मतलब सीधी लाइन पड़ेगी, आप चाहो थोड़ा सा तिरछा कर लो। तो जब बार बार चार सिलाई यही आप रिपीट करोगे तो यही पैटर्न कम्प्लीट होगा। देखिए बनने के बाद
कितना सुंदर लग रहा है। इजी भी है, आपने देख ही लिया एंड देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस डिज़ाइन को ट्राई करना, हमारे साथ शेयर जरूर करना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।